बेगूसराय के नयागांव थाना क्षेत्र में फिर बेखौफ बदमाशों ने दिन दिहाड़े एक बालू कारोबारी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया तो ये जा रहा है कि मृतक सफेद बालू का कारोबार करता था। फिलहाल DSP दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की है। बेगूसराय में जिस तरह से लगातार बेखौफ होकर बदमाश बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। तो बेगूसराय में कारोबारी की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी। बेखौफ बदमाश लगातार आतंक बरसा रहे हैं और आतंक का कहर जो है वो लगातार बनकर इन कारोबारियों पर टूट रहा है। तो ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस अपनी पीठ तो थपथपाती है कि वो अपराध पर अंकुश लगा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब अपराध पर अंकुश लग रहे हैं तो आखिर इतनी घटनाएं कैसे हो रही हैं। दो ढाई महीना पहले झगड़ा हुआ था मेरे घर के पास ही। झगड़ा में मारपीट हुई थी जिसमें अरुण सिंह उर्फ राजकुमार सिंह इस पर केस किए हुए थे। ठीक है, केस किए हुए थे, ये सब किया। उसके बाद हर वक्त वो पैसा बहुत ज़्यादा कमा लिए है, जिसके कारण से ये केस चलते रहा। एक निर्दोष को जो गाय भैंस चरा रहा था इस पूर्व में, उसको जेल जबरदस्ती पैसा के बल पे वो एक भाई को जेल भेज दिए। आज वो क्या किए, राजेश राजकुमार से दोनों मिल के इसको मर्डर कर दिए। मर्डर करके दूसरे बगडोब में जाकर मर्डर किए कि कोई पहचान नहीं हमको पाए। कि एक तरह से या तो अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है या उससे मिला हुआ है, यही दो निष्कर्ष निकलता है। जो भी घटनाएं सामने आती है उसका नतीजा यही देखने को मिला। मधुबनी के जयनगर में आस्था के महापर्व छठ पूजा के लिए घाटों की तैयारी को लेकर जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान और कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने वार्ड पार्षदों और स्थानीय लोगों के सहयोग से कमला नदी के छठ घाटों का जायजा लिया। मुख्य पार्षद ने बताया कि छठ का व्रत करने वालों को घाट पर आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए नगर पंचायत तत्पर है। शहरी क्षेत्रों की सड़कों पर साफ सफाई, कमला नदी छठ घाट तक आने वाले रास्तों पर बिजली की व्यवस्था समेत पूरे पूजा कमेटी के सदस्यों के सहयोग से निगरानी की बात भी कही गई है। तो छठ का महापर्व आज से जिसकी शुरुआत हो गई है नहाए खाए के साथ, और तैयारियां भी घाट को सजाने की पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर लगातार जो अधिकारी हैं वो घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैलाश पासवान ने घाटों का जायजा लिया। छठ पर्व को देखते हुए यहाँ पे साफ सफाई की जो भी व्यवस्था है, आने का जो ढलान है, रास्ता है, सीढ़ी है, साफ सफाई है, लाइटिंग की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था किया जाएगा। और इसके लिए हमारा बोर्ड ने भी निर्णय लेकर हमें आदेश दिया है कि आपको सारी साफ सफाई करवाना है और यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था है, लोगों को अधिक से अधिक सुविधा हो, कोई दिक्कत ना हो और सभी लोग जो है श्रद्धालु अच्छे से छठ मनाए, इसके लिए नगर पंचायत लगातार प्रयासरत है। नगर पंचायत की ओर से हमारे तमाम पार्षद है, कक्षपालक पदाधिकारी है और प्रत्येक बार जो छठ पूजा कमेटी का सदस्य है सभी आदमी का हम लोग बात सुने हैं। नगर पंचायत के विशेष बैठक में निर्णय लिया गया है कि छठ पूजा में जो भी सुविधा छठ व्रती को दिया जाएगा हम अपने नगर पंचायत की ओर से सारे व्यवस्था करेंगे। आज हम लोग पूरे घाट पर घूम घूम कर देख रहे हैं कि क्या क्या दिखते हैं, क्या क्या है, उस सभी पर हम नगर पंचायत की ओर से काज करेंगे। बेगूसराय के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए घर का मेन दरवाजा सहित दूसरे दरवाजे और तिजोरी का ताला तोड़कर 2,10,000 नकदी समेत तकरीबन 8,00,000 के जेवरात की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि बनहा निवासी अर्चना देवी अपने ससुर की मौत के बाद अपने पैतृक घर परिहारा गई हुई थी और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बेगूसराय में चोर बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं, तिजोरी तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे घर का मुआयना कर रही है, इसके साथ ही चोरों की तलाश में भी जुट गई है। बेगूसराय की तस्वीरें, तिजोरी का ताला तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया, चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है।
हम लोग ससुराल है परिहारा, वहीं पर बाबूजी एक्सपायर किए थे, पनवासी में एक्सपायर किए थे, उसी दिन लेके चले गए थे। बेटी की शादी के लिए पैसा और जेवरात था, वही बरतुहारी चल रहा था तो कुछ कुछ जमा करके यहाँ रखे थे, कुछ अपना वाला भी था, नगद था 2 लाख। बुधवार की सुबह गए हैं यहाँ से, सब यहीं पे उनका देहांत हुआ था, तो बुधवार की सुबह गए, फिर हम दिवाली के दिन आए भी थे, रात में रुके और सुबह होके गए, उसके बाद ये घटना हुआ। पश्चिमी चंपारण के बेतिया संकल्प 95 के छात्रों ने ठाना है कि जिले को बीमारी मुक्त बनाना है। इसी संकल्प को लेकर बगहा पुलिस जिला के भैरोगंज में मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों को मुफ्त चिकित्सीय सलाह और दवाओं का वितरण किया गया। संकल्प 95 मेडिकल कैंप में सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने आकर चिकित्सीय सलाह और दवाइयां ली। बगहा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जिले को बीमारी मुक्त बनाने का संकल्प यहां नौजवानों ने ठान लिया है। दरअसल पश्चिमी चंपारण के बेतिया संकल्प 95 के छात्रों ने ठान लिया है कि जिले को अब बीमारी से मुक्त करना है। इसी संकल्प को लेकर बगहा पुलिस जिले के भैरोगंज में मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों को मुफ्त चिकित्सीय सलाह और दवाओं का वितरण किया गया। संकल्प 95 मेडिकल कैंप में सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने आकर चिकित्सीय सलाह और दवाइयां ली हैं। तो बगहा की तस्वीरें, जहां पर जिले को बीमारी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। संकल्प के तहत लगातार जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं उनको मुफ्त में दवाएं दी जा रही हैं, उनका इलाज भी किया जा रहा है। दवा के का परेशानी बा, डांड के दर्द परेशानी बा, उठर बैठर रुके जा, पैसा हमरा के लगे गरीब आदमी के लगे नहीं छे, हमारी बनी दवा का बढ़िया दवा मिल तो ठीक हो जाए, ना बढ़िया दवा दी तो कोनो बात। ये जो कैंप का आयोजन किया गया संकल्प 95 संस्था के द्वारा, इसमें सिर्फ हम मरीजों का इलाज ही नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें उन चीज़ों की भी जानकारी दे रहे हैं जिसके लिए वो जागरूक पहले नहीं थे। जैसे आपके सामने जो ये जो पेशेंट हैं, इनको एक बीमारी है जिसका नाम है मोंडोस डिजीज। इसमें क्या हो जाता है, हमारी जो खून की एक नली होती है जो चमड़े के नीचे होती है, उसमें एक प्रकार का सूजन आ जाता है जिसकी वजह से वो फूल जाती है। अब ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इस महोदय को पता नहीं था इसके बारे में, ये कैंप में आए हैं, इसके बारे में उनको जानकारी दी गई है और संस्था के अस्पताल जो है हमारा बेतिया में उपलब्ध है, तो वहाँ उसको बुला करके उनका इलाज कर दिया जाएगा। संकल्प 95 संस्था और के द्वारा हम लोग आए हैं, बेतिया से डॉक्टरों की टीम आई है जो सुंदर सिंह चिकित्सालय नड्डा में हम लोग बैठे हैं और यहाँ के आसपास के लोगों का अच्छा से अच्छा इलाज हम लोग कराने के लिए सोचते हैं, करने के लिए। और इसमें आयुष्मान भारत योजना से जो भी संबंध है उनका और भी आगे अच्छा फ्री में इलाज होएगा और बाकी जितने लोग हैं उन लोगों का भी अच्छे से इलाज किया जाएगा। आज जो मैं क्षेत्र भ्रमण में निकला था आपको यह पता लगा कि संकल्प 95 के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिलवाया जा रहा है। जो के आर उच्च विद्यालय के 95 बैच के विद्यार्थी जो आज भिन्न भिन्न पदों को सुशोभित करते हैं, वो IAS है, कमिश्नर रैंक पर बैठे हुए हैं, और मैं उन लोगों को अपने क्षेत्र विधानसभा की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इस तरह के समाज के लोगों को, दबे कुत्ते लोगों को सेवा देने के लिए सोचा है या दूर दराज इलाके में आकर यह शिविर लगाया है। बेगूसराय में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने बिहार के 3 जिलों में जहरीली शराब से मौतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रतिवाद मार्च निकालकर DM ऑफिस पहुंचकर मंत्री सुनील कुमार का पुतला जलाया। माले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार और अफसर के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार पूरे बिहार में फल फूल रहा है और शराबबंदी कानून पूरी तरह से बिहार में फेल हो गया है। बिहार के अधिकारी अवैध शराब के कारोबार में शामिल हैं। प्रतिवाद मार्च के बाद DM ऑफिस पर कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। बेगूसराय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब से मौत पर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से बिहार में जहरीली शराब की वजह से मौत का तांडव बरकरार है, ऐसे में राजनीति भी खूब हो रही है। साथ ही साथ सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी आखिर बिहार में शराब क्यों बनाई जा रही है, क्यों बेची जा रही है और क्यों सप्लाई की जा रही है।
प्रशासन पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। प्रशासनिक अमला जो है वो कहीं ना कहीं सवालों से बचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बेगूसराय की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने बिहार के 3 जिलों में जहरीली शराब से मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने शहर में मार्च निकालकर डीएम ऑफिस पहुंचकर मंत्री सुनील कुमार का पुतला जलाया। वहीं कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार और अफसर के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार पूरे बिहार में फल फूल रहा है। शराबबंदी कानून पूरी तरह से बिहार में फेल हो रहा है। बिहार के अधिकारी अवैध शराब के कारोबार में शामिल हैं। प्रतिवाद मार्च के बाद डीएम ऑफिस पर कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। बिहार में शराबबंदी का ढोंग रखा है नीतीश कुमार ने। शराबबंदी कानून का भाकपा माले ने विधानसभा में मुस्तैदी के साथ समर्थन किया था और आज भी हम मांग करते हैं कि शराबबंदी कानून को कड़ा रूप में ये लागू किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार का पूरा मंत्रिमंडल पूरा का पूरा अफसरशाही शराब में लीन है, इसीलिए बिहार में शराबबंदी कानून मजबूती के साथ लागू नहीं हो पा रहा है। आज देखिए जहरीली शराब पीने से लगातार बिहार में मौतें हो रही हैं। गोपालगंज का ले लीजिए, बेतिया का ले लीजिए, आज समस्तीपुर में भी मामला आया है। लगातार कहीं न कहीं बिहार के अंदर लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं और इस शराबबंदी कानून को मजबूती के साथ लागू करने के बदले शराब माफियाओं का एक लंबा कतार बिहार के अंदर लग गया है। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उसमें शामिल है। मांग करते हैं जो गोपालगंज में जो लोगों ने मरा है उसके लिए आज सीधे सीधी गोपालगंज का डीएम जिम्मेवार है, उस डीएम पर कार्रवाई करो मुख्यमंत्री, यदि ये हिम्मत है। हम देख रहे हैं जो लगातार मौत हुई लेकिन कहीं के डीएम पर कार्रवाई नहीं हुई, कहीं के एसपी पर कार्रवाई नहीं हुआ, आज ये हश्र हो गया है। इसीलिए आज हम इस जहरीली शराब से मरने के सवाल को लेकर के हमने ये प्रतिवाद निकाला है। वहीं बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में हादसा हो गया जहां नाले की सफाई कर रहे नगर निगम का मजदूर बिजली के करंट की चपेट में आ गया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल की पहचान बाजितपुर निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। बताया भी जा रहा है कि तकरीबन 20 की संख्या में मजदूर वहां सफाई और सड़क मरम्मत का काम कर रहे थे। इसी कड़ी में पंकज कुमार लटक रहे बिजली की तार की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि बाकी मजदूर बाल बाल बच गए। आनन फानन में साथी मजदूरों की तरफ से पंकज कुमार को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय का एक पूरा मामला है जहां पर एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि साफ सफाई के दौरान तार की चपेट में आ गया जिसकी वजह से वो घायल हो गया है। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां नाले की सफाई कर रहे एक नगर निगम का मजदूर बिजली की करंट की चपेट में आ गया है जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान बाजितपुर निवासी पंकज कुमार के रूप में की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि तकरीबन 20 की संख्या में मजदूर वहां सफाई और सड़क मरम्मत का काम कर रहे थे और इसी कड़ी में पंकज कुमार लटक रहे बिजली के तार की चपेट में आ गया। हालांकि बड़ा हादसा होते होते बच गया है क्योंकि बाकी जो मजदूर हैं वो काफ़ी पीछे थे। आनंद फानन में साथी मजदूरों की तरफ से पंकज कुमार को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। तो बेगूसराय का ये पूरा मामला है जहां पर गंभीर रूप से एक मजदूर घायल हो गया। नगर निगम का ये मजदूर बताया जा रहा है जो कि नाले की सफाई कर रहा था, तारों की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। मामला है करंट ड्रेन का काम चल रहा था, उसी में करंट लग गया। मजदूर काम कर रहा था, हम लोग नगर निगम का मजदूर हैं, वहाँ से जब करंट लगा तो प्राइवेट अस्पताल ले गए डॉक्टर के पास, वहाँ कुछ ट्रीटमेंट किया और सदर अस्पताल रेफर कर दिया। अब यहाँ तो अभी दवाइयाँ चल रहा है, अभी ठीक ठाक है। पटना में अपराधी एक बार फिर से बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। अपराधियों ने पाटलिपुत्र में पेंट दुकान में दिन दिहाड़े घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। वही घटना की सूचना मिलते ही पाटलिपुत्र थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि लूट की रकम का खुलासा नहीं हो पाया है, दुकानदार काफी डरे हुए हैं। सूत्रों की माने तो 3 बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और इसके जरिए अपराधियों की पहचान में जुट गई है।
पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बदमाशों का खौफ लगातार बरकरार है, बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। दिन दहाड़े दुकान में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया और यहां पर दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी किया है। तो पटना में अपराधी एक बार फिर बेखौफ नजर आ रहे हैं। राधु ने पाटलिपुत्र में पेंट दुकान में दिन दहाड़े घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, हालांकि लूट की रकम का खुलासा नहीं हो पाया। दुकानदार काफी डरे हुए हैं और वहीं दो तीन बाइक सवार बताए जा रहे हैं जो कि हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, इसके जरिए अपराधियों की पहचान भी की जा रही है। बेगूसराय के थाना क्षेत्र में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है, जहां सुबह पहुंचाने गए मलिक समाज के तीन युवकों की दबंगों ने बेवजह जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित धर्मवीर कुमार ने बताया कि वो बिशनपुर चांदी चौक के पास सूप लेकर छठव्रतियों को पहुंचाने गया था, लेकिन वहां पर अंश कुमार नाम का युवक अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। उन्होंने जबरन धर्मवीर कुमार से सूप ले लिया और जब धर्मवीर कुमार ने पैसे की मांग की तो उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के बावजूद धर्मवीर कुमार सूप का पैसा मांगता रहा, तब सभी युवकों ने मिलकर धर्मवीर कुमार उसके दो साथियों को स्कूल के कमरे में बंद कर दिया और लोहे के सरियों और लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिससे धर्मवीर कुमार और उसके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद पीड़ितों के परिजनों और तीन युवकों को सदर अस्पताल में पहुंचाया, जहां तीनों युवकों का इलाज चल रहा है। तो बेगूसराय की तस्वीरें, जहां पर दबंगों का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि युवक सूप पहुंचाने के लिए व्रतियों के घर जा रहा था, तभी अचानक बीच में कुछ दबंगों ने रोक लिया और सूप की मांग करने लगे और पैसे नहीं दे रहे थे, जिसके बाद लगातार शख्स पैसे की मांग करता रहा तो दबंगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी है। कमरे के बंद करके भी लाठी डंडों से और लोहे के सरियों से जमकर पिटाई की गई। सर हम गए सूप लेके, हम गए अनुज कुमार के लिए, वहाँ पे उनको सूप देने के लिए वो चार पांच दस आदमी बैठे थे, सब पी रहे थे और सूप देने के लिए हम गए, सूप दिए उनको, वो बोले कि घर चल जाओ, हम बोले पैसा दीजिए सर, तो वो बोले पैसा नहीं देंगे सूप का, तो उसी के लिए हम मांगे पैसा, बोले हमको सामान दिया, हमको सामान का पैसा दीजिए। उतने देर में वो उठे, उठ के हमको एक दो थप्पड़ दे दिए, बोलते हैं कि जाओ पैसा नहीं देंगे, जो करना होगा कर लेना, मतलब रंगदारी टाइप का करने लगे। उसके बाद हम नहीं बोले कि नहीं सर हमको पैसा चाहिए सबका, अपना पैसा मांग रहे थे, पैसा नहीं दिए तो घींच के स्कूल के अंदर ले गए और रड ले के हम मेरे माथा पे मारे, चार पांच आदमी सब मिल के जो हमको रड से मारे। लोकास्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, एनडीआरएफ, एसडीएफ, सिविल डिफेंस, नाविक और गोताखोर के लिए संयुक्त रूप से ब्रीफिंग राजधानी पटना के एसके मेमोरियल हॉल में बैठाई गई। ये बैठक चार दिवसीय महापर्व के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए बुलाई गई है। राजधानी पटना में इस साल कुल 136 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर सबसे पहले तो छठ व्रतियों सहित परिजनों को कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना अनिवार्य है, साथ ही पूजन के दौरान गंगा नदी में नाव से पेट्रोलिंग भी की जाएगी। तो पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, छठ पर्व को लेकर संयुक्त ब्रीफिंग यहां पर की गई है, ताकि कोई भी आपात स्थिति होती है तो वहां पर स्थिति पर काबू पाने के लिए तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जा सके। सभी 21 सेक्टर्स के लोग और संबंधित थाना प्रभारी सुनिश्चित कराएंगे कि सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी अपने अपने निर्धारित स्थल पर निश्चित रूप से उपस्थित रहे, और कल से ही डेपुटेशन है, कल से ही शुरू हो जाएगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण है सेकेंड हाफ में, संभावित है 3 बजे के आसपास, उस समय सभी लोग अपने अपने घाट पर, अपने अपने पॉइंट्स पर, सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी सब लोग रहने चाहिए। इसको आप लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित कराइए पर्सनली मॉनिटर करके। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।